महिला पर ध्यान दे रहा है, महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। हमारी बहनें महिला पर ध्यान दे रहा है। अरे मीटिंग होती है सभा, आप तो महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है, नजदीक से आगे देखना चाहती, सुनना चाहती, सब खाली जो रहता था बैरिकेड उसमें बुला कर बैठाते थे। आगे से जहाँ भी मीटिंग हो, सभा हो, बुला के हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए। आधा वोट उनका है और आधा से ज़्यादा वोट महिला देती है, दिलाती है। और उनको हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया, मीटिंग के लिए काफ़ी परिवर्तन आप लोगों ने किया है और आगे भी और जरूरत हुई तो परिवर्तन किया जाएगा। इसमें और सुझाव जो भी आप लोग दीजिएगा, लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए, यागना में जो आगन है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा, जिसमें किताब है, किताब रखा जा रहा है। मेरे ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहाँ जहाँ भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित करके किताब बना दे रहा हूँ, पढ़िएगा, वो आया होगा, पाठ भी रहा है, बांटेगा भी किताब। कहाँ कहाँ हमको खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले थे। नहीं सर, संग्रह लेके मैं अपना रखा हूँ दिल्ली में भी, और आप लोग भी देख के पढ़िए, सीखिए, जानिए, नीरे रहिए, निर्विघ रहिए। और सरकार तो बननी ही आपकी, सरकार तो बनना ही है। इतना बड़ा ताकत किसका है, राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबला में कोई ताकत नहीं है। यहाँ से प्रबंध करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन में 95,000 एक जगह वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। कुशेश्वर में भी सारा बिहार मंत्री MP गाँव गाँव लेके सारी कपड़ा लाता पैसा बांट रहे थे, प्रशासन सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर चला गया, दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेटल का बना हुआ है, फोन नहीं उठा है, उठाना चाहिए फोन। क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देंगे, दाल कहीं किसी को दाल थोड़ी भी रख सकती दिया, बोलते हैं कि हमारा राशन दिया, तुम्हारा राशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है, वो सब गरीबों को बांटो, गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटिए। और उसी समय से UPA गवर्नमेंट के द्वारा अनाज गेहूँ गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटें, कहाँ से लाए हो, खेती किए हो कभी, ये बातें।